आपका नाम क्या है? रोहिणी कुमार लोनिया। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं यहाँ पांच सूत्री मांग को लेकर बैठा हूँ। क्या मांगे हैं आप? पुलिस सुधार के मुद्दे पे। क्या मांगे? पुलिस सुधार के मुद्दे पे सर्वप्रथम वीर गति को प्राप्त जवान को शहीद का दर्जा मिले। विभाग में जवानों के साथ होते हो रही प्रताड़ना का तत्काल अंत हो। और इस मुद्दे में हमारे राकेश यादव भैया को में सलाहकार एवं एक टोल फ्री नंबर जारी हो जिसका प्रभार उनको मिले, और ताकि जवान जो भी प्रताड़ित जवान हैं वो ऑनलाइन अपने समस्या का समाधान करा सकें। और इसके बाद तीसरा मुद्दा है साप्ताहिक अवकाश। साप्ताहिक अवकाश जो कि समस्त जवानों को नहीं मिल रहा है, और हमारा जो मांग है ये सीएफडीएफ दोनों के लिए है। और इसके पश्चात है किट पेटी। किट पेटी की जगह में हम चाह रहे हैं कि हमको जो राशि है वो मिलना चाहिए, क्योंकि तो गुणवत्ता नहीं है उसमें सामग्री में। और लास्ट है रिस्पॉन्स भत्ता। तो रिस्पॉन्स भत्ता जो अभी दे रहे हैं तो थाने में दे रहे हैं, लाइन में नहीं दे रहे हैं, ऑफिस में नहीं दे रहे हैं, उसमें भी विभाजित कर दिए। एक मामला सामने आ रहा है कि कई लोगों को तो नौकरियां वापस हो गई, मिल गई जी, आपको नहीं मिली इसलिए आप नेतागिरी कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं तो नेतागिरी वाली बात नहीं है। पिछले बार डीजीपी साहब के बुलावे पे हमारे राकेश भैया गए थे और उनसे पुलिस सुधार के मुद्दे पे काफ़ी चर्चा हुई, तो उनका सोच पॉजिटिव रहा। और उसी दरमियान भैया हमारे बारे में भी चर्चा किए, तो उन्होंने कहा ठीक है आवेदन वगैरह भिजवा दो। तो हम लोग आवेदन भिजवा दिए हैं, लगभग 2 माह से ऊपर हो गया है। तो उस मुद्दे पे मैं अभी कोई बातें नहीं कर रहा हूँ अपने वाले मुद्दे पे। मुद्दा तो घूम फिर के वही है रोहिणी जी, और राकेश क्या बर्खास्त हुए थे क्या? जी हाँ। तो उनको वापस ले लिया गया, आपको क्यों नहीं लिया गया? नहीं, उनको भी नहीं लिए हैं अभी तक। अभी नहीं लिए हैं। अनशन में बैठने से पहले आप किन किन अधिकारियों से बातचीत किए? अनशन में बैठने से पहले सीधा सीधा मैं सूचना दिया, SDM कार्यालय में सूचना दिया, कलेक्टर ऑफिस में सूचना दिया, SP कार्यालय में सूचना दिया, और सिविल लाइन थाने में। तो क्या जवाब आया आपको? अब उसके बाद सूचना देने के बाद मैं 11 तारीख को यहाँ बैठा, 11 तारीख को बैठा तो शाम 6 बजे के आसपास सिविल लाइन PI परवेश तिवारी जी अपने एक दो स्टाफ के साथ आए, और मेरे साथ वही जोर ज़बरदस्ती अनुमति नहीं है ऐसा है वैसा है बोल के थाने ले गए। अब थाने से कुछ देर बाद फिर मेरे को छोड़े, तो मैं आके फिर दोबारा बैठा तो फिर लेके गए, और स्टाफ को अपने आदेश दिए कि ठीक है इसको घर छोड़ के आ जाओ। तो मेरे को अब कहा जाए बलपूर्वक घर भी छोड़े। दूसरे दिन फिर मैं यहाँ आया और कलेक्टर साहब का आवेदन बनाया कि मैं स्थान परिवर्तन, मेरे कुछ जानकारी मिला कि वहाँ 144 संबंधित कुछ धारा लागू है, तो स्थान परिवर्तन के लिए मैं वहाँ कलेक्टर साहब को आवेदन दिया। और उसके पश्चात फिर इधर भी SDM साहब के यहाँ सभी जगह फिर वही स्थान परिवर्तन का सूचना फिर दिया। उसके पश्चात शाम को जब मैं गया तो सिविल लाइन PI साहब बोले कि ये, मैं बोला सर अब इसमें दिक्कत नहीं, बोले हाँ ये ठीक है आप इसमें आपको अनुमति मिल सकता है। तो वो वहीं पे मेरे को SDM साहब को नंबर दिए, तो SDM साहब से मैं बात भी किया, तो SDM साहब बोले ठीक है सूचना दे दियो लेकिन आपको अनुमति लेना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन मैं जाके SDM साहब को आवेदन दिया, तो वो फिर रिफ़र किए और बाई हैंड में ले जाके फिर एडिशनल साहब को दिया। एडिशनल साहब को दिया तो साफ साफ बोले कि यार मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता, यह निश्चितकालीन अनशन है, इसमें कुछ होगा जवाबदारी है वो, मैं एक आदेश नहीं दे सकता। अब आप इस स्थान को क्यों चुने हो? तो मैं उनको बोला सर मेरा तो कार्यक्रम 11 तारीख से शुरू हो गया है, मैं तो अब इसको कैंसिल कर नहीं सकता। ठीक है आप यदि अलाउ नहीं करते हैं, मुंगेली नाका के लिए मैं उसमें नोटिस पॉइंट वो किया था, तो अलाउ नहीं करते हैं तो मैं कहीं भी बैठ जाऊँगा सर, मंदिर मस्जिद कहीं भी बैठ जाऊँगा, लेकिन मेरा अनशन जारी रहेगा। आपको कानून अवज्ञा में जेल भी हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये अति हो गया भैया बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं उसके बाद भी आज शासन प्रशासन से यही निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोग पुलिस परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी साथी हैं, वो उनके साथ तालमेल बना के चलना चाह रही है। बर्खास्त लोग वापस आ गए हैं सभी लोग?
नहीं आएंगी आज। बर्खास्त लोग में गृह मंत्री से बात किया है आपने? जी जी जी, हम लोग आवेदन निवेदन बहुत कुछ कर लिए हैं। कम से कम अभी तक 15 से 20 बार पुलिस परिवार हम लोग वहाँ जा चुके हैं, मिल चुके हैं। तो कब हटेंगे यहाँ से आप? अब यहाँ से मेरा जो ये पांच मुद्दे पांच मांग है वो पूरा हो जाए तो मैं नौकरी जरूरत नहीं है आपको? नहीं, नौकरी के लिए मैं अभी वो नहीं किया हूँ।